वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गायनी टॉक विद डॉक्टर मनीषा। इस वीडियो में मैं आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताना चाहूँगी। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसे कैसे डायग्नोज किया जाता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आइए पहले जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह। जब सर्विक्स के सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करते हैं तो वो कैंसर का रूप ले सकते हैं, इसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर 15 से 44 साल तक की महिलाओं में होने वाले कैंसर पर दूसरे नंबर पर आता है। भारत में हर साल इसके 1,22,000 से भी ज़्यादा नए केस देखने को मिलते हैं और भारत में हर 9 मिनट में एक महिला की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर से होती है। इसी से आप जान गए होंगे कि भारत में सर्वाइकल कैंसर एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। सर्वाइकल कैंसर एक साइलेंट किलर है जो कि बहुत लेट स्टेजेस में जाके पता चलता है, लेकिन कुछ ऐसे स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल हैं जिनसे हम सर्वाइकल कैंसर को उसके प्री कैंसरस स्टेज में ही पकड़ सकते हैं। आइए जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं। फर्स्ट है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी पीरियड्स के बीच बीच में भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होना। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, यानी महिला के मासिक धर्म बंद होने के बाद भी बीच बीच में कभी या 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद ब्लीडिंग होना। या पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग, यानी इंटरकोर्स होने के बाद भी ब्लीडिंग होना। सेकंड, फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज। अगर महिला को डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है जो कि पिंक कलर का है, या ब्लड स्टेन आ रहा है, या उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही है, तो यह भी सर्वाइकल कैंसर का एक लक्षण है। थर्ड है पेट में नीचे पेड़ों में दर्द रहना या लो बैक एक रहना, ये भी सर्वाइकल कैंसर का लक्षण है। कभी कभी सर्वाइकल कैंसर का कोई लक्षण नहीं होता। इसके लक्षण तभी सामने आते हैं जब सर्वाइकल कैंसर के सेल्स दूसरे बॉडी के पार्ट्स में इन्वेड कर लेते हैं, जैसे पेशाब की थैली, आंतें, लिवर। तो इस वजह से जो लक्षण आते हैं वही सबसे पहले पता चलते हैं। अब हम जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है। सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV के इन्फेक्शन से होता है, स्पेशली टाइप 16 एंड टाइप 18। ये दोनों हाई रिस्क हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए। टाइप 31, 33, 45, 52 एंड 58 ये भी सर्वाइकल कैंसर के लिए हाई रिस्क टाइप्स माने गए हैं। यूजली अगर इन HPV वायरस से इन्फेक्शन होता है तो बॉडी अपने आप इस इन्फेक्शन को 2 साल तक, 6 महीने से 2 साल तक में क्लियर कर लेती है। लेकिन किसी कारणवश अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम इस इन्फेक्शन को क्लियर नहीं कर पा रहा तो यह परसिस्टेंट HPV इन्फेक्शन सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। अब ये देखते हैं कि ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यह HPV परसिस्टेंट इन्फेक्शन ले लेता है, जैसे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना, या फिर कम उम्र में ही यौन सक्रिय हो जाना, या डायबिटीज़ या ऐसा कोई इम्यूनोसप्रेशन का रोग होना, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज़। ये ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये खतरा होता है कि ये HPV इन्फेक्शन बॉडी से अपने आप क्लियर ना हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये परसिस्टेंट HPV इन्फेक्शन सर्वाइकल कैंसर बन जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ ऐसे स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल हैं जिससे हम इस सर्वाइकल कैंसर को प्री कैंसर स्टेजेस में ही पकड़ सकते हैं, जैसे पैप्समियर। पैप्समियर में सर्विक्स के सेल्स को माइक्रोस्कोप में स्टडी किया जाता है। यह दो टाइप के होते हैं, या कन्वेंशनल पैप्समियर या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। इसके साथ HPV DNA टेस्ट, यानी सर्विक्स में HPV का इन्फेक्शन है या नहीं। यदि हम सिर्फ पैप्समियर से स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो रिकमेंडेशन है कि 21 साल के बाद हर महिला को हर 3 साल में पैप्समियर कराते रहना चाहिए, ये देखने के लिए कि उसमें कोई प्री कैंसरस चेंजेस तो नहीं आ रहे। और अगर पैप्समियर और HPV DNA टेस्ट इकट्ठे करा रहे हैं हम स्क्रीनिंग के लिए, तो ये दोनों हर 5 साल में महिला को रिपीट कराने चाहिए। अगर डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर को कोई लीजन लगता है सर्विक्स में, कोई एबनॉर्मल ग्रोथ या वाइट एरिया लगता है, तो फिर उसके बाद उसकी कॉल्पोस्कोपी हो सकती है या सर्वाइकल बायोप्सी या एंडोसर्वाइकल क्यूरेटाज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से होता है, तो भारत में इस वायरस के अगेंस्ट में HPV वैक्सीन अवेलेबल है। कई देशों में तो यह वैक्सीन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत भी कर दी गई है।
इस वैक्सीन के बारे में मेरा दूसरा वीडियो दिखेगा जिसमें मैंने आपको इस वैक्सीन का पूरा डिटेल में बता रखा है। भारत में यह देखा गया है कि HPV इन्फेक्शन 26 से 33 साल तक की महिलाओं में होता है और सर्वाइकल कैंसर 45 से 60 साल तक की महिलाओं में होता है। यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन के बाद सर्वाइकल कैंसर बनने में कम से कम 15 साल का गैप होता है। अगर हम रेगुलर स्क्रीनिंग और चेकअप कराते रहें तो इस सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर इनबॉक्स कीजिएगा, मैं उनका आंसर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।